नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुलाबगंज, पूर्व सरपंच रणजीत सिंह बघेल की दोना पत्तल की फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची विदिशा बासोदा से दमकल की गाड़ियां। जी हां, आगजनी का मामला रविवार सुबह का है। इस बारे में फैक्ट्री के मालिक रणजीत सिंह बघेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह विदिशा स्थित मकान पर थे और छोटे भाई ने आग लगने की सूचना फोन पर दी। वहीं मेरे पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड डायल 100 को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पहुंची गाड़ियों से आग बुझा दी गई, लेकिन 55 से 60 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान होने की बात सामने आ रही है। आपके यहाँ पे जो फार्म हाउस पे आग देने की घटना हुई है, कैसा क्या है घटनाक्रम बताएं? मैं तो आज मेरे विदिशा स्थित हरिपुरा निवास पर मैं रात को सो रहा था, तभी मुझे सुबह करीब 6:30 बजे यहाँ गांव से फोन पहुँचा। उसमें बताया गया कि अपनी फैक्ट्री में आग लग रही है। मेरा भाई यहाँ सोया हुआ था, उसने बताया कि मैं यहाँ सो रहा था और जलने की बास मुझे आई, लाइट हमारी बुझ चुकी थी। जैसे उसको पता चला कि बास आ रही है और लाइट बुझ गई, उसने देखा तो अपनी फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। फिर उसने मुझे सूचना दी, सूचना के बाद मैं आया, 100 डायल को फ़ोन किया, बाद में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। तब तक मैं भी यहाँ गुलाबगंज पहुँच गया था, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, एक विदिशा से आ गई थी, बासोदा से आ गई थी, 100 डायल भी आ गई थी, और आके फिर उन्होंने आग को बुझाया। तब तक देखा सब कुछ ख़त्म हो गया था। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम ये मान के चलो 55 या 60 लाख के करीब है, 34 लाख की जिसमें मशीनें हैं, और ये मान लो 5-6 लाख की बिल्डिंग भी है, कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी पड़े थे उसी में, वो भी जल गए हैं, और कुछ मेरे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट भी पड़े थे वो भी जल गए हैं, और लगभग ये मान लो कि 10 से 15 लाख रुपए का ये मान के चले आप, अपना रॉ मटेरियल भी रखा था, वो सारा का सारा खाक हो गया। समय जगत न्यूज के लिए गुलाबगंज से चंद्रमोहन रतोसिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।